यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हरियाणा के नॉन परफॉर्मर लीडरों की दिक्कतें अब बढ़ सकती है, क्योंकि भाजपा केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी रणभूमि में उतारने पर विचार कर रही है। इस बात के संकेत हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने दिए हैं। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भाजपा के उस कोर टीम के मुख्य रणनीतिकार हैं जो प्रदेश के सांसदों और विधायकों के कामकाज की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हाई परफॉर्मर नेताओं को ही टिकट दिए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अंबाला पहुंचे रामविलास शर्मा ने अटकलों पर विराम लगाते हुए तय समय पर ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने की बात कही है। रामविलास शर्मा ने जहां अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के काम की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने इशारों ही इशारों में कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी लगा दिए। लोकसभा के चुनाव अपने समय पर होंगे, मई में हुए थे, और विधानसभा के चुनाव उसके बाद जो अक्टूबर में हुए थे। समय से पहले चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं।